अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाउ आर यू स्टूडेंट्स? आई होप यू ऑल आर हैप्पी एंड हेल्दी। सो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ आवर उर्दू क्लास। यस, एंड इन दिस क्लास वी विल लर्न सेंटेंस फॉर्मेशन। यस, सेंटेंस जुमला। आज हम क्या सीखेंगे? जुमले बनाना, जुमला। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, और जब एक है तो जुमला और एक से ज्यादा है तो जुमले। जुमले जीम मीम लाम, ये जुमले। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, सो टुडे वी विल लर्न हाउ टू मेक सेंटेंसेस। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे कि जुमले कैसे बनाते हैं। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, सो लिसन केयरफुली। सो सी, बे ते से जीम लाम मीम, ये सब क्या हैं बच्चों? ये सब हर्फ हैं। क्या हैं हर्फ? उर्दू लेटर्स। ये सब क्या हैं? उर्दू लेटर्स हैं। ओके, जब हम इन हर्फों से इन हर्फों को मिलाते हैं तो क्या बनता है, क्या बनता है? देखिए, जैसे हमने मिलाया ते और मीम को तो क्या बनेगा? तुम। ते मीम तुम, ये क्या बन गया? ये बन गया लव्स। क्या बन गया? ये लव्स। यस, जब हम इन हर्फों को आपस में मिलाते हैं तो क्या बनता है? लव्स बन गया। जैसे हे और मीम को हमने मिलाया तो क्या बना? हम। हे मीम हम, ते मीम तुम, तो इनको मिला के ये लफ्ज बनता है। और इन लफ्ज़ों को मिलाकर मान लीजिए बहुत सारे लफ्ज़ हैं, जैसे तुम हम दो ये तुम। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे लफ्ज़ हैं, अल्फाज हैं, दो ये तुम आम दे, ये सब क्या हैं? बहुत सारे अलग अलग अल्फाज हैं। और जब हम इन अल्फाजों को मिला देंगे तो क्या बनेगा? जुमला बनेगा। यस, इन अल्फाजों को मिलाने से, इन सब अल्फाजों को जब हम मिलाकर लिखेंगे तो क्या बनेगा? जुमला बनेगा। क्या जुमला ऐसे ही बन जाएगा जैसे हम लिख दें दो ये तुम आम दो, ये सब ऐसे जुमला बन जाएगा? नहीं, ऐसे जुमला नहीं बनेगा। जुमला क्या होता है? जुमला अल्फाज का ऐसा मजमूआ होता है जिससे मतलब समझ में आ जाए। यानी कि इन अल्फाजों को हमें इस तरतीब से लिखना है कि एक मतलब समझ में आए हमें। ये कोई मतलब समझ में नहीं आ रहा ना, दो ये तुम आम दे, कोई मतलब नहीं समझ में आ रहा। तो इन अल्फाजों को हमें ऐसे लिखना है, ऐसे लिखना है जिससे कोई मतलब जाहिर हो। जैसे चलिए कोशिश करते हैं लिखने की। तो सबसे पहले बनाते हैं हम, लिखते हैं तुम ये आम दे दो। और यहाँ पे जब हमारा जुमला ख़त्म होता है तो आखिर में हम क्या लगाते हैं? डैश लगाते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हमने इन अल्फाजों को ऐसे लिखा कि यहाँ पर हमारा एक जुमला बना और इसका मतलब हमें समझ में आ रहा है। जैसे तुम ये आम दे दो, तुम ये आम दे दो, मतलब कोई कह रहा है कि दूसरे इंसान से कि तुम हमें ये आम दे दो, इससे हमें मतलब समझ में आ रहा है। लेकिन यहाँ पर जो मजमूआ था यानी कलेक्शन था जुमलों का, अल्फाजों का, उससे हमें कोई मतलब नहीं समझ में आ रहा था। जैसे दो ये तुम आम दे, ये जुमला नहीं बना। तो जुमला क्या है? जुमला अल्फाज का ऐसा मजमूआ या कलेक्शन होता है जिससे मतलब समझ में आ जाए।
ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो ये जुमला बन गया, ये जुमला नहीं बना। ओके ओके माय डियर स्टूडेंट्स, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग। जज़ाकल्लाहु खैर, अल्लाह हाफिज़।